है कि बेरोजगारी हटे, मेन मुद्दा तो यही है कि देश में बेरोजगारी हटे, जीडीपी बढ़े। 5 साल में एक बार आपको मौका मिल रहा है अपनी बातों का रखने के लिए, तो घर से निकलिए, गर्मी है मान रहा हूँ मैं, लेकिन अपने हक का उपयोग कीजिए और वोट देने जरूर आइए। किसान है विकास के, का हाँ विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, जहानाबाद में विकास होना चाहिए। जी नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए आज 7वें चरण का मतदान हो रहा है। बिहार की 8 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में है। जहानाबाद के एक मतदान केंद्र पर है, देख सकते हैं कि सवेरे से ही जो मतदाता है वो यहाँ पर पंक्ति में खड़े होकर मतदान करने के लिए पहुँचे हुए हैं। तमाम जो लोग हैं एक एक करके, चूंकि सवेरे सवेरे का समय है तो एक एक करके लोग यहाँ पर पहुँच गया है और यहाँ आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो है लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। दीपक कुमार सिंह जी, ये बताइए कि आप सवेरे सवेरे मतदान करने के लिए पहुँचे हुए हैं, मतदान जरूरी है पाना? बहुत ज़रूरी है, हम पटना से आ रहे हैं अभी, देखिए अच्छा, डायरेक्ट यहीं आ रहे हैं। हाँ पटना से डायरेक्ट यहीं आ रहे वोट डालने के लिए। हाँ वोट डालने आए हैं। अच्छा, तो इससे पहले भी आप वोट डालते रहे होंगे, क्या हाँ मुद्दा है इस बार आपको वोट डालने जब आए हुए हैं आप? मुद्दा यही है कि बेरोजगारी हटे, मेन मुद्दा तो यही है कि देश में बेरोजगारी हटे, जीडीपी बढ़े मतलब देश आप का ज़्यादा बेरोजगारी को ज़्यादा। कम करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए आप मतदान कर जी रहे हैं। जी अच्छा, इससे पहले भी वोट डालते रहे हैं आप? हाँ, इससे पहले भी वोट डालते वोट आए हैं। डालते रहे हैं, जी तो कैसा, क्या संदेश दीजिए जो युवा आपके जैसे हैं जो अभी आज दिन भर 6 बजे शाम तक मतदान होना है, उनको क्या कहिएगा कि मतदान करें जाने का? उनसे यही कहना है मेरा कि 5 साल में एक बार आपको मौका मिल रहा है अपनी बातों का रखने के लिए, तो घर से निकलिए, गर्मी है मान रहा हूँ मैं, लेकिन अपने हक का उपयोग कीजिए और वोट देने जरूर आइए। आपका क्या नाम है सर? संदीप शर्मा। संदीप शर्मा, ये बताइए कि सवेरे सवेरे मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं, कितना उत्साह है? उत्साह बहुत है, मतदान बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए मतदान मतदान जरूरी बहुत जरूरी है। तो आप तो बिना खाए पिए पहुंचे होंगे, बिल्कुल 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 पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुद्दा रहेगा इस बार जहानाबाद के, आप मतदाता हैं, क्या किस मुद्दे के आधार विकास पर हो, होगा विकास के आधार पर? बिल्कुल तो उम्मीद है कि जो सांसद को आप चुनेंगे वो जहानाबाद के लिए, जहानाबाद के लोगों के लिए संसद में आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल 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 आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल इससे पहले भी आप कई बार वोट करते होंगे, हाँ किए हैं। तो क्या लगता है कि जो पहले जिस तरह आप निर्णय लिए सांसद चुने वो उस आपकी उम्मीद पर खड़ा उतरे थे? नहीं नहीं उतरे थे, इस बार उम्मीद है कि बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि वो मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है वैसा आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी, सवेरे सवेरे ही मतदान के लिए पहुंच गए हैं? जी मतदान जरूरी है पहले? जी बहुत जरूरी है। तो बिना खाए पिए पहुंचे हैं? जी नाश्ता व्यवस्था है, नाश्ता पाता है। तो पहले मतदान के लिए बहुत व्यवस्था किए हुए हैं आप? जी। क्या मुद्दा है इस बार जो आप मतदान कीजिएगा? मुद्दा है विकास के, हाँ विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, जहानाबाद में विकास होना चाहिए। जी आपका क्या नाम हो गया? दीपक कुमार। दीपक कुमार, आप भी सवेरे सवेरे मतदान के लिए पहुंचे? पहले मतदान उसके बाद जलपान। अच्छा, पहले मतदान फिर जलपान। जी क्या है, आप तो युवा है, युवा के लिए क्या मुद्दा है इस बार जाने का? बेरोजगारी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे, बेरोजगारी कम करने के लिए आप मतदान। जी तो उम्मीद है कि जो आपके सांसद, जो आप सांसद चुनिएगा वो संसद में जहानाबाद के लोगों के लिए, युवाओं के लिए आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल, पहले भी कुछ काम हुआ है, कुछ बाकी है, उसी को ध्यान में रखते हुए सांसद को चुनाव करेंगे। सांसद का चुनाव आप कीजिए। जी जी आपका क्या नाम है भाई साहब? शशांक। शशांक, आप जहानाबाद में मतदान के लिए पहुँचे हुए सवेरे सवेरे, क्या मुद्दा है, आप युवा हैं? बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर। बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जरूरी है इसमें बेहतर जहानाबाद के लिए। देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं एक एक करके मतदान करने के लिए, और इन्होंने अपने मतदान का मुद्दा बताया कि किस आधार पर जहानाबाद के जो लोग हैं वो इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। जहानाबाद से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।